जिस बात का डर था वही हुआ, इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भाई उनको भी नहीं आना है, वो कह रहे हैं कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। मगर हमने जो बात का कहा था कि न्यूजीलैंड ने जो तमाशा किया कि सारे जी आपने जमा कर दिए, लोग ग्राउंड में आ गए, सब कुछ हो गया, और एकदम से मैच से मोमेंट्स बिफोर द टॉस दे डिसाइडेड कि हमने नहीं खेलना, हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हमें शक था इंग्लैंड भी यही बोलेगा। इंग्लैंड ने ये तो बोला कि हमें नहीं आना, मगर उन्होंने दूसरा बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि जी वो बायोस्फीयर बबल जो है उसके फटीग हो गया हमारे खिलाड़ियों को, उसकी वजह से हम नहीं आ रहे। भाई जब ये आपकी जो बनी थी प्लान बना था यहाँ आके खेलने का, उससे पहले आपको पता नहीं था कि वो फटीग हो जाएगा उन्हें। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अंग्रेज वैसे ही बहुत नाजुक होता है बेचारा, और ज़्यादा सूरज भी निकला है तो वो आई गॉट टू मच सन करके वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चलो अब बबल में भी उनको कोई तकलीफ है जहाँ पे वो आराम से बैठे हुए हैं और उनको सेफ रखा जा रहा है, तो भाई ठीक है कोई बात नहीं। मगर ये भी है कि इंग्लैंड के टीम, इंग्लैंड से खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम दो दो दफ़ा गई है कोविड के टाइम पे इंग्लैंड में खेलने के लिए। हमने कोई तमाशा नहीं किया, कोई नखरा नहीं किया, हम लोग क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ाई देते हैं, हमने क्रिकेट खेलने गए थे। गेम द गेम जिसका नाम क्रिकेट है, जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, इंग्लैंड से ही निकला था। अब ये नहीं रहा जेंटलमैन गेम तो हम कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने ही बर्बाद किया है। हम लोग तो अपनी जगह नहीं भूले, हम तो खेलना चाहते हैं, और जहाँ भी हमें खेलने के लिए कहा गया, बुलाया गया, हम लोग गए, और हमने कोई फजूल हरकत नहीं की कि जी अब हम नहीं खेल रहे, नखरे वखरे कुछ नहीं दिखाए। इंग्लैंड वगैरह पहले भी ऐसे ही कर चुका है, ये तो ज़माने से हम देखते आए हैं। हमारी टीम जब पहले भी इमरान खान जब कैप्टन थे, उनके होते हुए कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारी टीम जब इंग्लैंड में लैंड करती थी, बाकी टीम्स भी आती थी, उनको कोई इस तरह नहीं चेक किया जाता था जिस तरह हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, द नेशनल क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान का सामान जो है वो कुत्ते भेजे जाते थे सूंघने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने तब भी, वी टुक द हायर रोड एंड वी जस्ट डिसाइडेड कि नहीं भाई हम खेलने आए हैं, हम खेलेंगे, दिस इज ए जेंटलमैन्स गेम। खेल पे असर नहीं पड़ना चाहिए, खेल पे अभी भी असर नहीं पड़ना चाहिए। लोग अभी भी कह रहे हैं अगले महीने जो है वर्ल्ड T20 है, वर्ल्ड T20 कप है, तो उसके अंदर जो है सारी टीमें खेलने आएंगी, और हम लोग जिस ग्रुप में है उसमें न्यूजीलैंड भी है। और ये कहा गया, काफ़ी लोगों ने बोला कि जी हम न्यूजीलैंड से ना खेलें, तो हमने भी बोला नहीं भाई क्यों नहीं खेले, हम खेलेंगे, हम क्यों इस तरह के, हम तो ऐसे नहीं है जिस तरह के वो हैं, वी विल नॉट स्टूप दैट लो, तो हम लोग जो है हम खेलेंगे। फिर एक और तजवीज़ आई कि आप लोग जो है ऐसे करें कि आप लोग काली ब्लैक आर्म बैंड्स, काली पट्टी बांध के खेलें। नहीं, हम वो भी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, गेम चलेगा वैसे ही चलेगा, इस तरह के फजूल खेल हमें नहीं आते, हम क्रिकेट खेलेंगे। उन्हीं के वहाँ पे शारजा में है, शारजा में जाके खेलेंगे, शारजा ग्राउंड के क्या कहने हैं भाई, पाकिस्तान ने तो उस ग्राउंड को जो है चार चांद लगाए हैं, हमारे मियादाद के छक्का जो था द सिक्सर, उसी ने तो उस ग्राउंड को मशहूर किया है, दैट इज़ अ लकी ग्राउंड फॉर पाकिस्तान। UAE के अंदर काफ़ी चीज़ों की फ़रोख पाकिस्तान ने कराई है, काफ़ी चीज़ें का UAE जो आज है उनका सारा विजन वगैरह तो सिर्फ जो थे उनके वहाँ के लोगों का तो नहीं था, इट वॉज आस, पाकिस्तान ने, हमारी आर्मी ने भी उनकी हेल्प की है, हमारे मीडिया ने उनके कितने अखबार जो है वो हमने सेटअप किए हैं, वो उनके खेल शारजा क्रिकेट ग्राउंड पहले तो एक ही था, वो हमारी वजह से मशहूर हुआ, उधर लोग देखने आते थे, एवरीवन वांटेड टू गो देयर, दैट वाज द प्लेस टू बी टू वॉच क्रिकेट, वो इसी तरह से पाकिस्तान की वजह से हुआ। अब अगर लोग पाकिस्तान से मुँह मोड़ना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात कही गई है, हमारे कैप्टन ने भी यही कहा है, बाबर आजम ने भी ये कहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जो है, और हमें रवीश राजा ने भी कहा है कि भाई आप जो है अब गेम पे कॉन्सेंट्रेट करें, सब देख लेंगे, अगले महीने जो है जो T20 वर्ल्ड कप है, हम एक दफ़ा पहले भी जीत चुके हैं यूनस खान की क्यादत में, और हम लोग जो है वो फिर जीत के बता सकते हैं, और इस वक्त जो हमारे दिल में आग लगी हुई है हम उसको चैनल कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की तरफ, आई होप करते हैं जल्दी ना करवाते हैं। मगर ये है, आपको अल्लाह मियां भी दिखाता है, 1996 का जो वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका पाकिस्तान और इंडिया में होस्ट हुआ था, हमने होस्ट किया था, वहाँ पे भी कोई टीम जो थी वो जाने को तैयार नहीं थी श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में उस वक्त वो तमिलनाडु जो है वो
तमिल टाइगर्स वगैरह जो है उन लोगों ने काफी जो है टेररिज्म वगैरह का काफी फियर था, तो बहुत सारी टीमों ने इनकार कर दिया था कि नहीं हम श्रीलंका में जाके नहीं खेलेंगे। तो श्रीलंका के लिए इतना प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि उनके टिकट बिक चुके थे, उनके ग्राउंड्स के अंदर जो है वो सारी वो काम सब कुछ तैयार कर चुके थे, अपने ग्राउंड्स तैयार कर चुके थे, टिकट बिक चुके थे, अब वहां पे कौन खेले। तो फिर पाकिस्तान और इंडिया ने ही जाके वहां एग्जीबिशन मैचेस खेले थे। और अल्लाह मियां ने क्या किया कि श्रीलंका जिसके साथ इतना बुरा हुआ था 1996 का वर्ल्ड कप किसने उठाया? श्रीलंका ने उठाया। आपको क्या पता, इस तरह से आप पाकिस्तान को यूं पीछे नहीं फेंक सकते, धकेल नहीं सकते। एक ही स्पोर्ट है पाकिस्तान के पास अब, क्रिकेट, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक्सेल करता है। हमारा ये हॉकी जिसके अंदर हम लोग एक्सेल करते थे, जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, वो आहिस्ता 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 उसका स्टैंडर्ड गिरता चला गया और हॉकी में हम पीछे रह गए। यहाँ तक कि अब तो हम ओलंपिक्स में भी नहीं जाते हैं, हम लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं। स्क्वाश, जहाँ शेर खान, जहांगीर खान, इन लोगों ने जहाँ स्क्वाश को पहुँचाया था, अब हम वापस, इट्स नॉट दैट बैड, मगर वो बात भी नहीं है, वो बात भी नहीं है, तो वो भी पीछे रह गया। एक क्रिकेट है जिसके अंदर हम करके दिखा सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। दैट इज वॉट वी एम टू डू एंड आई थिंक द वर्ल्ड शुड वॉच आउट फॉर दैट। और इंग्लैंड की जो उनकी जो है वो उनके इंग्लैंड की गवर्नमेंट भी और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट भी जो है वो अब उनको फिक्र है कि यार देखें हमारी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं था, जो भी हमारे क्रिकेट बोर्ड ने किया उसमें हमारी गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं था, हमने तो कुछ नहीं किया वो। मगर बात ये भी है कि पाकिस्तान जो है ये सही कर रहा है कि जो वो बोल रहा है कि अब हम गेम पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज़्यादा। अब जो हो गया हो गया, आगे जाके ये भी है कि हो सकता है, हो सकता है वेस्ट इंडीज़ भी ना आए यहाँ पे, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ ना आए, जिस तरह से हुआ था श्रीलंका क्रिकेट टीम के अटैक के बाद कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से बंद हो गई थी। बिल्कुल हो सकता है कि फिर से ये सब बंद हो जाए, कोई बात नहीं, हम क्रिकेट तो खेलते रहेंगे ना, किसी और ग्राउंड पे खेल लेंगे, दूसरी जगह खेल लेंगे, नहीं होस्ट कराना ठीक है भाई, आपने हमें होस्ट नहीं मानना ना माने, हम बहुत अच्छे होस्ट से, यू आर मिसिंग आउट हमारे हमारे मुल्क के मजे लेके, आपको पता ही नहीं है। कभी वेस्ट इंडीज की टीम से पूछे हम लोग कितने अच्छे होस्ट हैं, बाकी टीम से भी पूछे वो भी आपको बताएंगे। साउथ अफ्रीका तो अभी भी कह रही है कि भाई इतनी अच्छी कंट्री, इतने अच्छे लोग, इनके कल्चर जो है आपको नहीं आपके नसीब में था देखना, इसका मजा लेना, इट इज ओके। न्यूजीलैंड ने हिंट की है कि ठीक है आपका जो नुकसान हुआ, आपके जो ग्राउंड्स का जो टिकट्स भी बिके थे सब कुछ वो हम भरेंगे, अभी हिंट ही की है, अल्लाह करे कर दे, क्योंकि काफी नुकसान भी हुआ है और हम लोग भी वेंट आउट ऑफ आवर वे। और बीइंग पाकिस्तानीज वी डू हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑफ आवर वे दूसरे मेहमानों के लिए, हम मेहमान नवाजी में हम कहीं भी पीछे नहीं है। और बस मुझे यही था कि अब क्या होगा, मगर ठीक है हमारे क्रिकेट जो बोर्ड है पीसीबी और अंडर द लीडरशिप ऑफ रमीज राजा, मेरा ख्याल से अब रोना पीटना हम बंद करेंगे और अब हम खेल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और हम भी बताएंगे कि हमें क्रिकेट सबसे अच्छी आती है और हम सबको हरा सकते हैं और हम फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। दैट्स इट। जिसका इंतजार था, जो आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश, मैंने ऑर्डर किया था चलू का, जो मेरे साथ करीब 8 डेज। बाय बाय।